हाजिर मंडियों में चने की कीमतें MSP से ऊपर ही देखने को मिल रही हैं। सरकार ने चने की MSP 5100 रुपए से बढ़ाकर साल 2022-23 के सीजन के लिए 5230 रुपए प्रति क्विंटल कर दी हैं। किसान और व्यापारी दोनों ही चने की कीमतों में तेजी की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन उनको उनकी उम्मीद के अनुसार अभी दाम नहीं मिल पा रहे हैं। मानसून में अचानक से एक रिकवरी देखने को मिली है और बताया जा रहा है कि दालों की बुवाई भी इस साल अच्छी हुई है और जो अगली पैदावार होगी वो भी अच्छी ही होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इन सब संकेतों के चलते दालों की कीमतों पर एक बिकवाली का दबाव बनता हुआ नजर आ सकता है। 2020-21 में चने का उत्पादन 119.9 लाख टन रहने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजेजा के मुताबिक चने की कीमतें हफ्ते के पहले कारोबारी दिन गिरावट के साथ कारोबार करती नजर आई थी। इस हफ्ते के शुरुआत में चने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन फिर चने में एक निचले स्तर से थोड़ी सी खरीदारी भी देखने को मिली। हालांकि NCDX पर चने की कीमतें नई MSP से अभी भी नीचे ही कारोबार कर रही हैं। अमित सजेजा के मुताबिक चने की कीमतों में एक सीमित दायरा देखने को मिलेगा, जो कि 5050 से 5300 का होगा। इस कारोबारी हफ्ते की क्लोजिंग होते होते चने की कीमतें औसतन 5200 के लेवल के आसपास कारोबार करती नजर आ सकती हैं। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।